हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अब मुझे धूप लग रही है, मैं इस साइड नहीं देख पा रही हूँ। तो अभी मेरे हस्बैंड का मुझे ऑर्डर आया कि चाय बनाओ, काम वालों को लेके जाएंगे और फिर मैं ना मैं यहाँ पे चूल्हा बनाऊँगी आज। ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको? अरे कैसे देखूँ मैं, हाँ दिख रहा है। ये देखो, यहाँ पे मैं चूल्हा बनाऊँगी। मैं मिट्टी छेड़ देती हूँ ना, मैं मिट्टी सेड़ देती हूँ, मतलब भिगो देती हूँ। सेड़ने का मतलब भिगोना। और फिर मैं उतने को चाय बनाती हूँ, उतने को मिट्टी भीग जाएगी ना, और फिर मैं दिखाऊंगी आपको चूल्हा। आप लोगों ने बहुत बार बोला कि बाहर चूल्हे का खाना दिखाओ। तो चलो, यहाँ कपड़े भी भिगो के रखे हैं तो मैं आ चुकी हूँ चाय बनाने। परे को घूमूंगी ना तो आवाज सुनाई नहीं देगी। तो ये है। और पता है आज ना हमारी गैस भी खत्म हो गई, और अभी गैस आएगी 12 तारीख को, ठीक है? और तब तक चूल्हे से चलाना पड़ेगा काम। अभी मेरे ना यहाँ के चूल्हे का भी बहुत कंडीशन खराब है। अभी रंग वालों को बोला है, देखती हूँ क्या क्या होगा। तो चलो अभी मैं आपको गाना भी सुना देती हूँ साथ साथ में। इसमें मैं मिट्टी लगाऊंगी और इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे। तो तब तक आप गाना सुन लीजिए, एक हिमाचल का बहुत ही अच्छा गाना है, जीतू जी ने गाया है। तेरी आया दामिन जो बड़ी आस तो दी, दिले जो जड़ा दी, तू दस्यो ती जो किया पूलना। तेरे बिना मिले थी सुने सुने लग दे, सुकी गए डड़ो मुए फड़ भी नी लग दे। तेरे बिना मिले ये थी सुने सुने लग दे, सुकी गए डाड़ो मुए फड़ भी नी लग दे। याद होंदी ता अखां परी जांदी, वो दिले जो जड़ांदी, तू दस्यो ती जो कियां भूलना। तो चलो अभी आगे देख लेते हैं, कुछ बातें भी करनी है आपसे। तो ये देखिए, अभी मैं इसको फाइनल टच दे रही हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें ना और एक मतलब आगे जैसे और बढ़ाऊँगी इसको थोड़ा सा, नहीं तो ना आग पीछे जाती है। पिछली बार भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई थी, फिर मैंने बाद में सोचा कि इसको थोड़ा सा और मतलब जो मॉडिफाई करते हैं। और कभी बाहर बना दिया, कभी देखो कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है ना, कितनी हरियाली, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो चलो फिर बाद में बना लेती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको, है ना? तो बन गया हमारा चूल्हा, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, अभी इसमें ना थोड़ी सी कमी रहेगी। मैं पीछे बरसात में ना जब पानी बहुत ज़्यादा होता है तो खराब हो गया था थोड़ी थोड़ी मिट्टी से। अब इसमें मैं गोबर से करूँगी इसको थोड़ा सा, और जो इसमें कमी होगी इस बार मैं थोड़ा सा चेंज किया, मैंने ये वाला पोर्शन मैं आगे लेके आई पिछले वाले ना, नहीं तो इसमें ढंग से जो आग नहीं जलती थी। तो बस अब इसमें सूखने दूंगी इसको, फिर गोबर और मिट्टी से लिपूंगी अच्छे तरह से। कुछ बाहर कुछ अंदर ऐसे हो जाता है, मतलब जैसे आजकल धूप है ना तो बाहर बन जाता है खाना, ऐसा नहीं है। तो चलो अभी जाना हमने कौशल। तो ये देखो, तो देखिए ये बनाया मैंने चूल्हा, और इसमें भी काफ़ी काम है ना, काफ़ी काम है इसमें। ये देखो, पर क्या है ना कि ये इसमें अभी थोड़ा सा और गोबर मिट्टी से थोड़ा सा और डेकोरेशन हो जाएगा। अभी गिल्ला गिल्ला है ना, तो जैसे ये बर्तन है ना ये वाला इसको रख के देखते हैं हम ऐसे कि आगे इसकी, तो हाँ आगे पूरी तरह से ना, हाँ ये ऐसे फिट बैठना चाहिए, ये इस तरह से फिट बैठना चाहिए, तो ताकि ये और परे ना हिले इस तरह से। ये देखो, तो ठीक ही बन गया था, थोड़ा थोड़ी सी कसर रही पीछे रही, थोड़ी सी मिट्टी लगाने को वो बाद में होगी अभी।
और उतने को ये सूख भी जाएगा है ना, इसको बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और अभी मुझे जाना है कौशल, ये देखिए अच्छा बना ना, बताना मुझे कमेंट करके। और बस यहीं पे मैं वीडियो कैंट भी कर रही हूँ, और यहाँ पे हनी धो रहा है कपड़े, तो ये बस थोड़े से कपड़े इसके पास ये धो देगा। और थोड़े से? ना थोड़े से नहीं है तो ज़्यादा डरा रहा है मेरे को। और इधर ना बहुत सारे वो डाले हैं अभी हमने, बिस्तर वगैरह इधर उधर, कुछ इन्होंने धोए हैं और कुछ ये किए हुए। तो बिलियन से खेल रही है, पार्क का जो व्यू है बहुत अच्छा है, सामने का दिखा दूँ मैं आप। बहुत बार बोलते हैं आप, ओ हो देखो मेरा लहसुन भी रह गया लगाने को, मैंने लहसुन लगाना था वो भी रह गया लगाने को, धनिया लगाना था वो भी रह गया, अब देखती हूँ। ओए क्या कर रहे हो तुम लोग, ये इनके साथ खेल रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो यहाँ पे गंदे गंदे बच्चे। ये मेरा बच्चा बहुत समझदार है मेरा बच्चा, ओ देखो लड़ गए लड़ गए लड़ गए। तो ये देखो मौसम मतलब आजकल ना वो नहीं है, आजकल बारिश ही नहीं है, बहुत दिन हो गए बारिश बिल्कुल नहीं है। और ऊपर थोड़ा सा गांव का व्यू भी देख लीजिए, बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा दिखता है। और पंछी देखो आसमान में, आज़ाद आसमान में उड़ते हुए, वो देखो कहाँ गए, ये देखो बहुत प्यारे लग रहे हैं ना। और ये देखिए बिल्कुल साफ आसमान, मौसम बिल्कुल क्लियर एकदम। और उधर हमारे काम वाले लगे हैं, तो उन्होंने कुछ कर दिया है, काम काफ़ी कर दिया है। ये देखो वहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल साफ इस टाइम। तो चलो आज काफ़ी दिन हो गए, तो अभी मैं जा रही हूँ, हाँ अभी मैं जा रही हूँ कौशल। और हाँ मुझे ना आपसे एक बात करनी है, तो मुझे ना आपसे एक थोड़ी सी बात करनी है यहाँ पे। एक्चुअली मुझे सुबह मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका फ़ोन आया, और फ़ोन क्या आया मतलब इंस्टाग्राम पे समझ लो आपकी मैसेज आया। तो उन्होंने मुझे बताया कि मधु ऐसा ऐसा किसी ने तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी बातें बोली है। तो मैंने बोला कि दीदी ऐसे काफ़ी लोग बनाते हैं, कि चलो थोड़ा सा उनको जो अच्छा लगता है वो अपना अनुभव शेयर करते हैं, और थोड़ा सा उनके भी व्यूज़ वगैरह जाते हैं। मैं कहा तो होता है भाई, नहीं उसने कुछ अलग बोला है। मैंने सोचा मैं क्या अलग क्या बोला होगा है ना, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला आप मेरे को ना लिंक भेजो, धूप आ रही है यहाँ पे, मैंने बोला कि आप मेरे को लिंक भेजो, उनका है ना क्या लिंक है। तो दीदी ने मेरे को वो लिंक भेजा, तो लिंक भेजा, और वो चैनल है मिस्टर एंड मिसेस भारद्वाज, और वो है राजस्थान से। काफ़ी लोग बोलते हैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन उन्होंने उस लड़की ने जो बोला है ना, वो उसकी बातें मेरे दिल को छू गई सच्ची में। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके जरूर चेक कीजिएगा, कम्युनिटी में भी डाल दूंगी मैं। इसलिए नहीं कि उसने मेरी तारीफ़ की है, तारीफ़ बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं, इसलिए नहीं मैं बोल रही हूँ। मुझे कुछ बातें उसकी ऐसी लगी कि मैं हैरान हो गई। उसने मुझे कभी कमेंट में आके नहीं बोला कि मेरा प्रमोशन कर दो, ठीक है, कभी भी उसने इंस्टाग्राम पर आके नहीं बोला, मुझे नहीं लगता कि उसने बोला होगा, या मुझे ध्यान नहीं, बोला ही नहीं उसने। उसने क्या बोला था कि 5-6 महीने पहले, चैनल तो उसका काफ़ी 1 साल पहले का है, लेकिन बोल रही थी कि 5-6 महीने ऐसा कुछ ज़िंदगी में, पहले हम हताश नहीं होते थे, व्यूज़ आए चाहे ना आए, लेकिन 5-6 महीने कुछ ऐसा पहले ऐसा हुआ कि जैसे लॉकडाउन हुआ तो पति की प्राइवेट जॉब थी वो छूट गई, और जॉब छूट गई तो मतलब मुझे ना उसका कमेंट पढ़ के रोना आ गया, मैं सच्ची दिल से बोल रही हूँ। तो बोलती फिर मुझे रोना आ गया, और हम बिल्कुल परेशान हो गए थे। तो मैं मधु की वीडियो देखती थी, यानी कि मेरी, मुझे बहुत खुशी की बात है ये। और फिर बोलती मैं उनकी वीडियो देखती, आज फिर मैंने उसका वीडियो खुद देखा, और मैं उसको धन्यवाद करना चाहूँगी। और उन्होंने कहा कि मैंने मधु दीदी की एक वीडियो देखी जिसमें वो बोल रही थी कि इतिहास हमेशा पागल ही रचते हैं, वो सही बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम समझदार हैं, वो समझदार बन के ही रह जाते हैं, अगर नाम कमाना है आगे जाना है ना तो कुछ पागलपन करना पड़ेगा, कुछ पागलपन की हद से आगे निकलना पड़ेगा। पागलपन ये नहीं कि तुम किसी को पत्थर मारो या किसी की रोजी रोटी छीन लो, बिल्कुल सामने से धूप आ रही है, पार से मैं थोड़ा सा ऐसे बोल देती हूँ, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। और तो उसने बोला कि मैंने मतलब ठान लिया कि मुझे ना जो दीदी बोल रही हैं वो मैंने करना है, और वो मैं हमेशा सबको मोटिवेट करती हूँ अपनी वीडियो के अंदर। तो कहती मैंने, पता नहीं, मैं आपको उसका ना उसकी वीडियो का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके, और मिस्टर मिसेस भारद्वाज, मुझे आपका नाम भी नहीं पता, मैं आपको जानती भी नहीं, मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपका कमेंट जो है वो ऊपर कर दूँगी, ताकि लोग आपको बहुत अच्छे वर्ड, उनके जो वर्ड थे ना मुझे नहीं बोले उन्होंने प्रमोशन करने को, उन्होंने बोला कि उनसे मैंने ये सीखा कि ज़िंदगी में स्ट्रगल करना चाहिए
और मैंने पहले दिन मेरे को लोग पागल बोलते थे कि इसका खाना कौन देखेगा, हमने केटरिंग का काम शुरू किया कहती और मेरा खाना कौन देखे खाएगा, या सभी लोग पागल बोलते थे। और जिस दिन से मैंने मधु दीदी का वीडियो देखा, मधु जी का वीडियो देखा, तो कहती उस दिन से फिर मैंने वो छोड़ दिया कि मुझे लोग क्या कहते हैं। तो मैंने यही था ना कि मतलब अगर अपने सपने मुझे सच करने हैं तो मुझे पागल बनना पड़ेगा और लोगों की सुनते हुए मुझे आगे निकलना पड़ेगा, ठीक है। बस वही बातें थोड़ी सी। और थैंक यू, आपने बहुत, माता रानी, मैं माता रानी से प्रे करूँगी कि आपको बहुत आगे तक ले जाएं, बहुत आगे तक, और आपके ऊपर जो भी परेशानियाँ आई हैं, जो भी समस्याएँ हैं, भगवान करे वो बहुत मतलब बिल्कुल, तो वो परेशानियाँ जो है माता रानी आपकी दूर कर दे। सभी की, सारे यूट्यूबर हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं, और पर मुझे एक बात की खुशी हुई कि उन्होंने मुझे डायरेक्टली कभी नहीं बोला कि आप जो मुझे मेरा ये करो। अभी भी मैं उसका ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके जो वर्ड थे ना वो दिल को छू गए। तो बोलती एक दिन इतने खाने गए, दूसरे दिन इतने गए, और आज मैं और मेरे पति जो मतलब अच्छा खासा जो कमा रहे हैं। अगर मेरे एक लाइन से, मेरे बोलने से किसी की ऐसी ज़िंदगी बदल सकती है, तो इससे ज़्यादा खुशी बात मुझे क्या हो सकती है। तो फिर इस तरह से मतलब बार बार मुझे बात ये की जाती है, इसलिए मैंने आपको लोगों को बताना ज़रूरी समझा। और एक वो लोग भी हैं जो उस तरह का सोचते हैं, किस तरह की वाणी यूज़ करते हैं, किस तरह के उनके विचार हैं, किस तरह उनके शब्द हैं। मैं उनको यही कहूँगी, माता रानी से यही कहूँगी कि उनको थोड़ी सी बुद्धि दें कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी के लिए प्लीज़ बुरा ना बोलें, ठीक है। आपको अच्छा नहीं लगता आप मत देखिए, बस इतना सा ही बोलूँगी मैं, बस ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ कल आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय माता दी। और बहुत खुश हूँ मैं आज, और अभी तो नहीं मैं ये कर रही हूँ, लेकिन सुबह मैंने जब वो वीडियो देखा तो मेरी आंखों में सच्ची इस तरीके से उसने बोला था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो जय माता दी, माता रानी आपको बहुत बहुत उन्नति दे, बहुत तरक्की दे, थैंक यू सो मच। और हाँ, एक है कुड़ी पंजाबन, और उसकी बातें भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब मेरे दिल को छू जाती हैं। एक वसुंधरा है, मतलब काफ़ी, मतलब कोई भी हो चाहे, ये बात कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं है, कोई छोटा यूट्यूबर नहीं है, सभी हम एक रेस के, एक ही मंजिल के राही हैं सारे। पर ये थोड़े से कोई चार कदम आगे, कोई चार कदम पीछे, बाकी इतना अपने आप को ये मत समझो कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए या बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं। मैं उनको बोल रही हूँ सभी को साथ लेके चलना चाहिए। वैसे तो मुझे बहुत सारे आते हैं, मैं यही बोलती हूँ हमेशा कि ये करो, मतलब मेहनत करो या कुछ भी करो, और काफ़ी दिन आपको हो जाते हैं तो टेंशन मत लो, माता रानी आपको जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगी। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय माता दी।